गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटे, हम यूनिट 3 इंटीजर्स कर रहे थे। इंटीजर्स में हमारा टॉपिक था कंपेयर। कंपेयर मीन्स होता है किसी का तुलना करना। नेम द सिंबल्स ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू। तो मैंने आपको उस दिन वीडियो में बताया था बेटे, माइनस में जो नंबर छोटा होता है उसको हम बड़ा मानते हैं। इसका मतलब कहने का ये है बेटे, माइनस 101 और माइनस 104 में से माइनस 101 इज ग्रेटर। तो वी पुट द सिंबल दिस, जिसका बड़ा होता उस तरह मुँह हम खोल देते हैं। इसी तरह से बेटे कंपेयर में माइनस 82 और माइनस 28। तो आप समझ गए होंगे, मैंने बताया अभी कि माइनस जो नंबर छोटा होता है वो बड़ा काउंट किया जाता है। तो इसके बीच में हमारा ग्रेटर कौन होगा, माइनस 28। तो हम ये वाला सिंबल लगाएं। इसी तरह से बेटे जीरो ओरिजिन होता है माइनस का और प्लस का। तो जीरो और माइनस 7 में से जीरो बड़ा होता है, क्योंकि जीरो के बाद हमारे नेगेटिव नंबर स्टार्ट हो जाते हैं और नेगेटिव नंबर जीरो से छोटे होते हैं। तो ये सिंबल बेटा हमारा इस तरह से लगाएं। इज दैट क्लियर? आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट कंपेयर करने वाला। सेकंड क्वेश्चन है बेटे, इसी तरह से असेंडिंग। सिंपल असेंडिंग हमें आता है, हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में कर चुके हैं। बट बेटे देयर इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिसाइड विच इज स्मॉलर। तो अभी मैंने बताया था बेटा, प्लस में तो सभी को पता कौन छोटा है कौन बड़ा, लेकिन माइनस में जो नंबर सबसे बड़ा है वो हमारा सबसे छोटा काउंट किया जाएगा। जैसे 4 - 5, 16, माइनस 11, माइनस 21 और 50। तो असेंडिंग मीन्स नीचे से ऊपर को जाना। इसका मतलब बेटे मेरा सबसे छोटा नंबर हुआ माइनस 21। पहले मैं माइनस की सिंबल लूँगी, नेक्स्ट माइनस 11, माइनस 5। अपोजिटिव का आपको पता सबसे छोटा कौन है, 4, 16 और 50 में से 4, 16 एंड 15, दिस इज आवर आंसर। इसका मतलब आप समझ गए होंगे बेटे, सबसे जो बड़ा नंबर था माइनस वाला सबसे छोटा इंक्लूड करेंगे। तो इस तरह से हम असेंडिंग के सारे क्वेश्चन करेंगे। डिसेंडिंग मीन्स सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा जैसे इसी का मैं उल्टा करूं तो यहाँ से रिवर्स हो जाएगी। इसी तरह से बेटे हमारा यूज नंबर लाइन। अब हमें नंबर लाइन का यूज कैसे करना है, तो मैंने आपको वीडियो में बताया था नंबर लाइन हमारा है यूज नंबर लाइन। हमें नंबर लाइन का यूज करके इसका आंसर बताना है। तो नंबर लाइन मैंने उस दिन आपको बताई थी, जीरो से स्टार्ट होते, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, मीन्स हमें जितना चाहिए। और -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। इसका मतलब बेटे ये राइट हैंड साइड है, मैंने उस दिन भी बताया था, और दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारा क्वेश्चन पढ़िए बेटा, 7 more than -8। पीछे से बोलेंगे माइनस 8 में मोर देन मीन्स होता है ज़्यादा, और ज़्यादा के लिए वी विल गो टू राइट साइड। माइनस 8 में 7 ज़्यादा, तो उसमें नंबर लाइन का हमें यूज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो टू -8, दिस इज -8। हम सबसे पहला -8 पे जाएंगे और यहाँ से 7 मोर देन। अगर बेटे मैं इधर जाऊँगी ये हमारे लेस देन होते चला जाएंगे, मुझे चाहिए मोर देन। तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, आवर आंसर इज -1। बेटे अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बता रही हूँ, 7 more than -8, इसका मतलब मैं पीछे से बोल लेंगे -8 के साथ ज़्यादा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू गो -8, और वहाँ से मोर देन बोला, देन मोर देन के लिए वी गो टू राइट साइड, और लेस देन के लिए वी गो टू लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, 5 less than 1, इसका मतलब बोलो कैसे बोलेंगे, 1 में 5 कम, इसका मतलब बेटे मुझे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो 1, दिस इज अवर 1, 1 हमारा पॉजिटिव है क्योंकि इसके साथ कोई सिंबल नहीं है। तो सबसे पहले मैं 1 पे गई बेटा, उसके बाद कह रहा है
फाइव लेस देन वन से पाँच कम, कम के लिए इधर आइए, वन टू थ्री फोर फाइव, तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा, माइनस फोर। एक और बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स क्या होता है बेटा, कोई इंटीजर हमें गिवन है जैसे माइनस एटीन, दिस इज द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूट। तो सबसे पहले हम ये सिंबल लगाएंगे माइनस एटीन को, यहाँ सोल्व में कर रही हूँ, और जब हमारा इसका आंसर आएगा एटीन, इसका मतलब ये बेटे एब्सोल्यूट वैल्यू जब हमारी बाहर निकल के आती है तो हमेशा प्लस साइन में ही वो आती है। इसी तरह से 21 का एब्सोल्यूट वैल्यू अगर मैं करूँगी, 21 इज आल्सो पॉजिटिव, माइनस 61, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 61 इज इक्वल टू 61। ये माइनस था बाहर, एब्सोल्यूट से बाहर निकल के प्लस का 61 हो गया। इसी तरह से 1 2 8 3, इसको मैंने एब्सोल्यूट किया, सेम आंसर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक एब्सोल्यूट वैल्यू। इसमें बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फाइंड द वैल्यू, द सम ऑफ नंबर लाइन, फाइंड द सम, सम पूछा है लेकिन नंबर लाइन का यूज करना है। माइनस फाइव में हमें प्लस करना है माइनस फोर, प्लस करना है माइनस फोर, माइनस फाइव में हमें माइनस फोर को ऐड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो टू द इंटीजर्स माइनस फाइव, यहाँ से बेटे माइनस फाइव पे चले, सीधा डायरेक्ट जाऊँगी मैं जीरो से, दिस इज माइनस फाइव, जीरो से माइनस फाइव। उसके बाद बेटे मुझे प्लस करना है माइनस फोर, चार स्टेप और चलिए आगे, वन टू थ्री फोर, ये हो गया हमारा माइनस फोर। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो हम कहाँ पहुँच गए बेटे, माइनस नाइन पे हमारा आंसर आ गया माइनस नाइन। बेटे अगर नहीं समझ में आया हो तो पहले हम नंबर लाइन बनाएंगे, जीरो से वन टू थ्री इधर सारे प्लस के लिखेंगे राइट हैंड साइड में, और इधर सारे माइनस के, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री जैसे भी लिखते हैं। उसके बाद बेटे मुझे माइनस पाँच स्टेप, तो माइनस है तो मुझे लेफ्ट में जाना है, तो जीरो से मैं सीधा पाँच स्टेप माइनस फाइव आ गया। उसके बाद फिर मुझे चार स्टेप माइनस में ही जाना है। उसके बाद नेक्स्ट बेटे माइनस टू प्लस वन और माइनस टू, तो मुझे सबसे पहले माइनस टू पे जाना है, यहाँ से दिस इज माइनस टू, उसके बाद प्लस वन स्टेप, इसका मतलब मुझे एक स्टेप राइट को जाना है, प्लस बोला है तो बेटे यहाँ से फिर मैं राइट में चलूँगी, यहाँ लिखूँगी प्लस वन। उसके बाद प्लस वन से मुझे माइनस दो, दो स्टेप फिर माइनस में जाना है, तो यहाँ से बेटे फिर से वन स्टेप और टू स्टेप, मुझे फिर यहीं आ जाना वापस, और यहाँ मैं लिखूँगी माइनस टू, तो हम कुल मिला के बेटे माइनस थ्री पे पहुँच गए, माइनस थ्री। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहो तो माइनस टू और माइनस टू माइनस फोर और प्लस वन, इसमें से क्या माइनस थ्री आंसर आएगा, और हमारा माइनस थ्री ही आंसर। आखिरी बेटे ऐड, सिर्फ जोड़ना सीधा, जो हम जोड़ते हैं 67 में मुझे माइनस 49 जोड़ना है, तो मैंने लिखा 67 प्लस का निशान लगाया माइनस 49। ये बेटे सब बच्चों को पता है 67 बड़ा है, तो ऊपर वाला मैं नीचे ऊपर लिखूँगी बड़े को, 49 नीचे लिखूँगी माइनस कर रही, ऐड करने का मतलब बेटे अपोजिट साइड है, तो उसको 17 में यहाँ मेरा 8 बचा, यहाँ 5 में से 1, 17 में से 9 8, 5 में से 4 1, दिस इज द आंसर। इसी तरह से बेटे सॉल्व करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप होमवर्क में इससे मिलते जुलते सारे क्वेश्चन करोगे, और फिर भी आपको प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।